Hey guys, welcome to my YouTube channel. तो आप देख रहे हैं कस्टमाइज ग्राफिक मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही, हम लोग बाइक वगैरह मॉडिफाई करते हैं, तो ये भी हम लोग बाइक आप कस्टमर एक दे के गए हैं जो कि छत्तीसगढ़ से दे के गए हैं। नंबर भी छत्तीसगढ़ का है गाड़ी का, जो कि पूरा फुल मॉडिफिकेशन के लिए दे के गए हैं। गाड़ी पे लगभग अभी काम बहुत है अपने को। सबसे पहले हम लोग को इसका इंजन ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी में देख सकते हैं रिपेयर करना है। साथ ही साथ इसमें इंजन में आप देखेंगे तो इंजन में भी आपको एक साउंड सुनने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं कि इसका इंजन में भी साउंड सुनने के लिए मिल सकता है। और इसके अलावा अभी इसको हम लोग इस कैमरा लुक में पूरा मॉडिफाई करेंगे, जो कि इसमें टैंक वगैरह ए टू जेड चीज चेंज होगा। बाकी इसका आगे का व्हील भी पूरा हिल रहा है, मतलब गाड़ी का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हैंडल वगैरह सब चीज़ इसका ना हिल रहा है। साथ जैसे कि देख सकते हैं भाई, इसका ब्लेंडर वगैरह भी ना प्रॉपर अपने यहाँ पे काम कर रहा है, ये बंद तक नहीं हो रहा है। इसका कोई भी स्विचेस वगैरह ना काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो ये सब भी पूरा चेंज हो गया है। देख सकते हो आप लोग इधर से दिखाओ, ये कुछ भी मतलब ना ये इधर उधर हो रहा है बट लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ चेंज होगा स्विचेस वगैरह। तो हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अब इसके अलावा और भी पार्ट्स वाइज पार्ट हो सके तो हम लोग आपको वीडियो देने का कोशिश करेंगे, या नहीं तो यही पार्ट आपको आगे भी मिलेगा वीडियो देखने को। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हम लोग का, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो कि आपको मॉडिफिकेशन, रैपिंग, TPF, बाइक के रिलेटेड आपको A to Z जानकारी मिल सके। तो बस यही है। भाई अभी हम लोग जानने जा रहे हैं गाड़ी का मोटर का मोबिल, जो कि 2040 है, जो बाइक पे रहता है। और ये अपना देख सकते हैं 900 ml है। गाड़ी पे एकदम बिल्कुल मोबिल नहीं था, तो अभी हम लोग इसमें मोबिल डालेंगे भाई। पिस्टन में रिंग वगैरह सब सेट कर दिया, अभी थोड़ा सा मोबिल डालेंगे।
एकदम हल्का हल्का एकदम मॉडल डालना पड़ेगा। पूरा ऑयलिंग अच्छा से इसको पूरा करना पड़ेगा। स्टॉप कर इस टाइम का पिन देख सकते हैं गाइस, अभी हम डाल रहे हैं। अब इसका हम लोग लॉक लगाएंगे भाई। आप लोग देख सकते हैं हम लोग गाड़ी का इंजन पूरा लगभग बना लिए हैं और इसको 5 से 6 दिन चला लिए हैं। गाड़ी प्रॉपर अच्छा चल रहा है, कुछ साउंड वाउंड भी नहीं है, एकदम बेस्ट एकदम हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं मॉडिफिकेशन की ओर। मॉडिफिकेशन में सबसे पहले अभी हम लोग का ये शॉकर वगैरह, ये डिस्क वगैरह डालना है। गाड़ी पर नॉर्मल ऐसा व्हील आता था बिना डिस्क का, व्हील भी नहीं डालना है, स्पोक्स डालना है। तो उसके लिए हम लोग को इसका जो डायमीटर है इसको भी हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका पहले छोटा था डायमीटर, तो इसको भी बढ़ाएंगे। तो ये भी कल खोलेंगे। साथ ही साथ शॉकर वगैरह भी चेंज हो रहा है। पहले ये देख सकते हैं ये दोनों शॉकर लगा था, तो अभी ये एक लगेगा एक शॉकर, और एक ये पड़ा हुआ है दिन पर जो अब हम फंसा के छोड़े ऐसे ही, जो कि आपका डिक्स माउंटिंग के साथ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो डिक्स माउंटिंग के साथ में आएगा व्हील।
तो देख सकते हैं गाइज, अभी पूरा गाड़ी लगभग खोला हम लोग डेंटिंग के लिए दिए। अब पेंट के लिए जाएगा गाड़ी, है ना। डेंटिंग में पूरा जैसे कि चेसिस का काम हुआ, देख सकते हैं आप लोग। बाकी अभी थोड़ा सा वॉशिंग वॉशिंग कर रहे हैं कि पेंट बहुत अच्छे से पकड़ ले। तो प्रॉपर अभी वॉशिंग हो रहा है प्रेशर वाला। बाकी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं और आगे आप लोग बने रहिए वीडियो पे। बाकी आपको और भी कंडीशन देखने को मिलेगा पूरा। ये सब चीज़ देख सकते हैं, सेटअप पूरा चेंज हुआ है। भाई जैसे कि देख सकते हैं लगभग ये पूरा पेंट हो चुका है, होगा और अच्छा से। और गाड़ी भी एकदम देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है गाड़ी भी, जिसमें कि आपका व्हील वगैरह सब चेंज हुआ है। व्हील पेंट होगा, शॉकर पेंट होगा, इंजन पेंट होगा, साइलेंसर भी लग गया है। साइलेंसर भी यहाँ पर पूरा रिपेंट हो जाएगा, पूरा प्रॉपर मिलेगा गाड़ी। तो पेंट होने के बाद बाकी सब चीज़ सब अलग से लगा है, जैसे देख सकते हो सब चीज़ पूरा चेंज हुआ है। यहाँ पे कान लगेगा एक, वो भी लगा है। नंबर प्लेट का इसमें ब्रैकेट नहीं आता, नंबर प्लेट का ब्रैकेट लगाए हैं। सब चीज़ टोटल लग गया है। बाकी अब इसमें एक कोट और पेंट चढ़ेगा ब्लैक, उसके बाद मेरे को देंगे, फिर हम स्टिकर लगा के फिर इस पर क्लियर कोट कराएंगे। तो बाकी आगे वीडियो में बने रहिए, आपका आगे पूरा हर चीज़ दिखेगा। गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये भी हम लोग कटिंग हो रहा है, ग्राफिक का काम, पेंट का काम भी कंप्लीट हो गया है। लैकर उकर अभी करेंगे इसके ऊपर। ये ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो ये 7.5 इंची का है। अभी हम लोग इसको 6 इंची पे किए हैं, ये 8.5 इंची था, सॉरी, इसको 6 इंची पे किया। थोड़ा छोटा ना, बहुत ज़्यादा ही बल्कि और बड़ा लग रहा है पंख, तो ये छोटा सा भी हो जाएगा तो बहुत सही लगेगा। तो आगे आप देख सकते हैं, काम आपको दिखाते हैं और क्या क्या हो रहा है। देख सकते हैं गाइस इतना फ़र्क आ रहा है, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, दिखते हैं लगा के फिर एक बार। जैसे गाइस देख सकते हैं ये लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो लुक देख लीजिए इसका, ये अभी प्यारा लग रहा है क्या, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था और पूरा प्रॉपर बैठा है। बस ये जो हल्का पेंट जो है अभी इतना ब्लर ब्लर है ना, ये पूरा साइन हो जाएगा, आपका पूरा साइन हो जाएगा जब इस पर एक क्लियर कोट चढ़ेगा। देखते हैं भाई, टैंक भी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस टैंक का लुक आया। बाकी हम लोग ये फिल पैक कर लिए हैं, पेंटर के पास लेके जाना है फिर से दोबारा। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए, उसके बाद हम लोग आपको चीज़ दिखाते हैं। गाइस फाइनली देख सकते हैं लगभग पूरा पेंट हो चुका है, हम लोग गाड़ी लेके आ गए हैं, व्हील तक पेंट करवा दिया गया है और बाकी पार्ट सब वहीं पे रखा हुआ है अभी। अब फिटिंग करना है, चेचिस भी पूरा, ये सब जगह जंग रस्ट लगा था, ये सब जगह भी पेंट हो गया है। पेंट अभी अच्छे ही क्वालिटी दिया है, देख सकते हो।
देख सकते हैं गाइज, हम लोग पीछे मुड़गाट फिटिंग कर लिए हैं, है ना। मुड़गाट फिटिंग करने के बाद टैंकी भी अभी सिर्फ डाल दी है, इसको फिट नहीं हुआ है टैंकी। देख सकते हैं गाइज, पेंट भी कितने स्पार्कल, कितना मस्त लग रहा है ब्लैक कलर में। ये 2K पेंट है भाई, बहुत ही सही क्वालिटी का पेंट हुआ है। देख सकते हैं मुड़गाट में भी, मुड़गाट भी हम लोग फिट कर लिए है, पूरा लगभग फिट हो गया है। ये भी आपका डोम अभी वायरिंग फिट कर रहे हैं, वायरिंग इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ही एक्सेस हो जा रहा है। तो अभी इसी के लिए सेटअप के लिए टैंकी हम लोग बैठाए हैं, तो आपको वीडियो चलिए। कैमरा हम लोग, बैटरी डाउन हो गया था कैमरा का, तो अभी हम लोग कैमरा आपको फिर से लगा देते हैं, चार्ज कर लिए हैं कैमरा। तो देख सकते हैं इस ब्लैंकर व्लैंकर सब लगा दिए हैं। जैसे कि आप लोग देख ही लिए हैं गाइस, गाड़ी कैसा कंप्लीट हुआ, एक एक पार्ट हम लोग पूरा चेंज किए हैं, जिसमें कि आपका एग्जॉस्ट हो गया, व्हील हो गया, चैन स्पोकेट, चैन का ये आपका आगे का स्पोकेट चैन, उसके बाद पीछे का ड्रम हॉब सब चेंज हुआ है। साथ ही साथ इसमें इंजन बनाए हैं, जो कि इंजन भी पूरा जीरो साउंड है। साथ में साइड कवर डिज़ाइन, चेसिस डिज़ाइन, टोटल आपका मुड़गाट, फेंडर, बैकलाइट, ट्यूबलाइट, जितना चीज़ है A to Z चेंज हुआ है इंजन और चेसिस छोड़ के। बाकी शॉकर पाइप, शॉकर डिस्क ब्रेक नहीं आता, आगे में इसका डिस्क ब्रेक लगाए हैं, उसके बाद आगे का अलॉय लगाए हैं, आगे का आपका ये पूरा डोम के साथ में कंप्लीट हेडलाइट लगा हुआ है, जो कि आपको हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका आगे का डोम लगा हुआ है, जिसमें आपका हेडलाइट आपको अपर डिपर मार के दिखाते हैं। देखिए ये आपका अपर डीपर, इंडिकेटर भी पूरा प्रॉपर वर्क करेगा, देख सकते हैं आप इंडिकेटर वर्क कर रहा है, इस तरफ का ही वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम लोग मीटर कंसोल के सामने, आप इधर आइए गाइस। देखिए मीटर कंसोल के सामने आते हैं अब हम लोग। देखिए जैसे ही मीटर ऑन करेंगे हम लोग अपना मीटर का, ये वाला बैटरी गेज का मीटर है, बैटरी उठ जाएगा, बैटरी पावरफुल है, ये मीटर है। 14 किलोमीटर अभी तक गाड़ी हम लोग चला के देख लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। जैसे कि देख सकते हैं मीटर उरर सब A to Z चीज़ चेंज हुआ है, हैंडल माउंटिंग भी दूसरा गाड़ी का लगा है, ये चीज़ हाइट किया गया है, जो कि आपका सटे ना, है ना, टैंक पे। तो देख सकते हैं गाइज आप लोग, ये चीज़ गया है। उसके साथ ही आप पूरा गाड़ी फुल्ली मॉडिफाइड है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं A to Z चीज़ नया लगा, जैसे फुटरेस्ट हो गया, बाकी A to Z। अगर इस गाड़ी का आपको शॉर्ट्स, वीडियो, रील्स देखना है तो इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा हमारा काम, जो कि जंगी कस्टम्स के नाम से है, जो कि आप देख सकते हैं गाइस, जंगी कस्टम्स के नाम से हमारा एक पेज है, उसी में आपको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग गाड़ी के साउंड की तरफ, तो आइए आपको साउंड सुनाते हैं गाड़ी का। Like करें,